तो स्वागत है आप सबका SBI YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग निफ्टी के रिलेटेड। यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा पूरा देखेंगे और यहाँ से स्ट्रांग इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करेंगे। साथ में बिग निफ्टी चार्ट में भी हम कल के इंट्राडे के लेवल फाइंड करेंगे और साथ में डेली बेसिस पैरामीटर सेट करके हम यहाँ पे स्विंग ट्रेड वालों के लिए थोड़ा लंबे समय के लिए भी यहाँ पे टारगेट फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले ऑप्शन डाटा, यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा क्या निकल के आ रहा है। कल मंडे के रिलेटेड यानी कि 12 अगस्त की एक्सपायरी का हम ऑप्शन चेन देखने जा रहे हैं और यहाँ पे जूम इन किया हमने निफ्टी बैंक का, यहाँ पे ऑप्शन चेन है और उसमें आप ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं दोस्तों 36,000 की रेंज, यहीं पर आप देख रहे हैं सेलिंग ज्यादा हुई थी जो है। यहाँ पे 58,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुए थे और 26,000 हमें लास्ट फ्राइडे यहाँ पे देखने को मिले हैं, चेंज देखने को मिला है। तो ये जोन एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्यों है वो हम साथ में यहाँ पे टेक्निकल भी देखते हैं, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी हम इसे देखते हैं। तो दोस्तों एक जोन यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 तारीख को यहाँ पे मार्केट ने 36,000 की रेंज पे रेजिस्टेंस बनाए है, तभी ये एक जोन जो है ऑप्शन चेन से भी हमारे पास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, कंसोलिडेट किया है। यहाँ देख सकते हैं इस रेंज में रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया है, यहाँ से सेलिंग हुई है। तो ये एक स्ट्रांग जोन इसीलिए है मार्केट का हमारे इस एक्सपायरी का, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बार बार बनते दिखा है। तो 36,000 की रेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इसे जूम इन करते हैं तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो पाएगा। आप इसे जरूर यहाँ पे माइंड में रखें, 36,000 की रेंज आपको बहुत काम आ सकती है, जो कि हमें ऑप्शन चेन से भी यहाँ पे रीड किया, आपका एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पी जोन में, अगर हम चलते हैं तो इससे भी हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पी जोन है इसमें 36,500 की रेंज है दोस्तों, जो उसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है राइटिंग हुई है। 36,000 की पहले थी और 16,000 की हमें लास्ट ट्रेडिंग डे को देखने को मिली है। 36,500 जो है ये काफी स्ट्रांग जोन है मार्केट का और ये वाली रेंज भी काफी ज्यादा इस एक्सपायरी में यहाँ पर जो है राइटिंग हुई है, ये काफी ज्यादा थोड़ी दूर हो जाती है। तो ये भी एक स्ट्रांग स्पोर्ट है, उससे पहले ये एक जो है आसपास मार्केट के है 35,500। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन से निकल के आया है। अब चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी में और यहाँ पे थोड़ा हम जो है 1 आवर का चार्ट पैटर्न यूज करेंगे, जिससे हमें अच्छे से क्लियर दिखेगा यहाँ पे कि ये वाला स्ट्रांग स्पोर्ट क्यों निकल के आ रहा है हमारे पास। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये वाला रेंज यहाँ पर 1 आवर चार्ट पैटर्न है और हम बात करें तो ये वाला जोन आप देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रांग स्पोर्ट लिया है और उसके बाद एक अच्छा यहाँ पे कम बैक दिखाया था इस जोन में, तभी ये यहाँ पे आपको इस एक्सपायरी में जो है एक स्ट्रांग मार्केट का स्पोर्ट देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेन में। उसके बाद आप यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं ये रेंज है, ये रेंज जो है हम इसे यहाँ पर फाइंड करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 की ये रेंज यहाँ पर हमारे पास निकल के आ रही है। यहाँ पर अगर हम जूम करते हैं इसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 500 की ही रेंज है यहाँ पे जो निकल के आई है एक स्ट्रांग स्पोर्ट में, जो कि हमने ऑप्शन चेन में भी देखा और यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में भी हमने इसे फाइंड कर लिया है टेक्निकली भी। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमने ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग जो है मार्केट के स्ट्रांग रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड किए हैं। अब यहाँ पे इंट्राडे और बाकी स्विंग ट्रेड वालों के लिए भी यहाँ पे कुछ लेवल जो है हम इंपॉर्टेंट फाइंड कर लेते हैं। और उससे पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप है आप देख सकते हैं और यहाँ पर हमारी जो है कॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं और यहाँ पे लास्ट जो ट्रेडिंग डे था उसके स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छा प्रॉफिट यानी लास्ट रिकवर देखने को होता रहता है हमारे इस चैनल पे। तो अगर आप यहाँ पर हमारा प्रीमियम प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है ये वाला जो है पूरा क्राइटेरिया है ज्वाइन करने का, 2000 की ज्वाइनिंग है जो अभी ऑफर चल रहा है यहाँ पे 499 में, आप लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हर दिन 2 या 3 कॉल्स मिलती हैं बैंक और निफ्टी की, पर्सनल ट्रेड हमारी शेयर की जाती है, 90% की एक्यूरेसी इसमें चल रही है कॉल्स की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप हमें इस पर टेलीग्राम पे मैसेज करें, यहाँ पर आपको जो है प्राइवेट जो डिटेल है दी जाएगी, पेमेंट डिटेल और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट डन होने के बाद आपको इस चैनल का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इंट्राडे के कल के क्या टारगेट हो सकते हैं, कुछ लेवल फाइंड कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेवल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट पैटर्न हमारे पास है और यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 तारीख के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक जोन का काफी अप गई मार्केट, उसके बाद कंसोलिडेट कर रही है और कंसोलिडेट इस जोन में कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
मार्केट यहाँ पर जो है आते एक काफी अच्छा बाइंग का प्रेशर देखने को मिला, फिर मार्केट यहाँ पर आई एक काफी अच्छा बाइंग का प्रेशर देखने को मिला और मार्केट यहाँ पे फ्राइडे को एंडिंग में यहाँ पे क्लोज होते होते मार्केट दोबारा से एक अच्छा बाइंग प्रेशर यहाँ पर बना के गई है इस जोन में। तो ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है मंडे के लिए, कल के लिए आपको इंट्राडे में। और उसके बाद की बात करें तो उसमें मार्केट का जो आपका जोन कल के लिए निकल के आ रहा है वो ये वाला जोन है। हम इन्हें जो है परफेक्ट लेवल फाइंड करेंगे, पहले देख लेते हैं। तो इस जोन से मार्केट की सेलिंग बनी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्केट ने कंसोलिडेट किया, सेलिंग बनी, फिर मार्केट अप गई, फिर यहाँ से सेलिंग बनी। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको मानेंगे यहाँ पे और उसके बाद ये वाला सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट का, जहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस बना चुकी है यहाँ पे 4 तारीख को। तो ये क्या यहाँ पे हमारे पास इंट्राडे के लेवल आ रहे हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये 36,000 की जो रेंज है दोस्तों, अगर हम इसे जो है परफेक्ट तरीके से फाइंड करें इस रेंज को, तो उसमें दोस्तों 1 आवर चार्ट पैटर्न यूज करेंगे। चार्ट पैटर्न में हम जो है 1 आवर में यहाँ पर क्लियर इससे जो है पता कर पाएंगे कि इसमें परफेक्ट वैल्यू कौन से जोन में हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे यहाँ पर, तो ये है 35,980 से 36,000 की रेंज, क्योंकि 1 आवर में थोड़ा सा हमें और क्लियर विजन मिलता है। क्योंकि यहाँ पर 12 तारीख को जुलाई को जो है आप देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर एक मार्केट ने स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनाया था, तो अभी भी इस जोन में ये स्ट्रांग रहने वाला है। 35,980 से लेके 36,000 की रेंज आपको कल यहाँ पे काम आ सकती है एज ए फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस मार्केट। इससे जो है जो मार्केट ने यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग डे को बनाया है यहाँ पे, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे हम इसे यहाँ पे देख लेते हैं ये कौन सा जोन है। तो 36,140 से 160 की रेंज आप यहाँ पे ले सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो ये दोनों जोन आपके अपके लेवल यहाँ पे मार्केट के रहेंगे। अगर मार्केट जो है मंडे को इसको सस्टेन करती है लेवल्स को, तो फिर रिवर्सल देखने को जरूर मिलेगा। अगर ब्रेक करती है तो ये टारगेट रहेगा, अगर उससे भी सस्टेन करती है तो फिर नीचे की तरफ रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो नीचे की तरफ जो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है उसमें 15 मिनट हम पहले यहाँ से पिक कर लेते हैं, उसमें अच्छा क्लियर व्यू दिखेगा। तो ये जोन जो है दोस्तों मार्केट का, यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हैं एक जो है यहाँ से सेलिंग प्रेशर, सॉरी बाइंग प्रेशर बार बार बनते हमें दिखा है मार्केट का, और यहाँ देख सकते हैं। तो ये वाला जोन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, 35,700 यहाँ से निकल के आ रहा है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे 1 आवर लेंगे और उसमें जो है यहाँ पर देखेंगे तो ये जोन जो है कौन सा निकल के आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छे से आप देख पा रहे होंगे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर सेलिंग आई है और इसके बाद यहाँ पर सपोर्ट और कंसोलिडेट किया मार्केट ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 35,690 से 710 की रेंज जो है मार्केट आपको यहाँ पे काम आ सकता है मंडे के दिन। हम इसे जूम आउट करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो फिर आप अच्छे से यहाँ से नोट कर पाएंगे। ये तीनों आपको इंट्राडे में काम आ सकते हैं। बाय द वे अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देता है, उसके नीचे का लेवल भी हम देखेंगे यहाँ पे, अगर इसे मार्केट सस्टेन करता है ये लेवल 35,690 से 710 की रेंज, तो एक बड़ा रिवर्सल दोबारा से देखने को मिलेगा जो इससे पहले यहाँ पे मिला है हमें लास्ट ट्रेडिंग डे को। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके बाद अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो नीचे कौन सा यहाँ पे टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। एक तो 500 की रेंज हमने जो इसकी एक्सपायरी है उसकी ऑप्शन चेन से फाइंड की है, उससे पहले जो है दोस्तों यहाँ पे 650 तक आता है मार्केट, इससे भी ब्रेक करता है तो यही रेंज आ रही है आप देख सकते हैं। 500 की रेंज दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है यहाँ पे, 500 से 520 की रेंज काफी ज्यादा क्रूशियल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है आपको मंडे को, तो फिर यहां तक मार्केट आके इसको सपोर्ट ले सकता है, यहां से रिवर्सल मिल सकता है आपको। तो ये जो चारों पॉइंट हैं आप इन्हें जरूर यहाँ पे माइंड में रखें। तो हम इसे जूम आउट करते हैं, आप एक बार फिर से स्क्रीन शॉट लेके यहाँ पे रख सकते हैं, आपको कल ट्रेडिंग डे में बहुत ही काम आ सकते हैं इंट्राडे में। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे मार्केट का जो है जोन, स्विंग ट्रेड वालों के लिए हम कुछ जोन देखेंगे यहाँ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 आवर का यहाँ पे चार्ट पैटर्न है और उसमें यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट अभी इस जोन पे यहाँ पे जहाँ पे आ रहा है ये 36,000 की रेंज पे मार्केट यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हम ड्रा करके दिखाते हैं आपको, ये वाला जोन मार्केट की 36,000 की रेंज के आसपास बना, फिर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया डाउन की तरफ और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिर एक बड़ा रिवर्सल, फिर यहाँ पर आया मार्केट, आप यहाँ से भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है मार्केट का। और स्विंग ट्रेड वालों के लिए एक अच्छा बोनस पॉइंट है क्योंकि मार्केट इसे भी सस्टेन कर लिया यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्योंकि इससे पहले ये जोन यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्केट ने कंसोलिडेट करके अच्छे सपोर्ट या सारी रेजिस्टेंस बनाए हैं।
यहाँ पर भी मार्केट ने इसे यहाँ पे सस्टेन किया है। तो यहाँ पे आपके जो 20 से ज्यादा दिन वाली जो है एक्सपायरी आप ले सकते हैं कोई भी, और उसमें यहाँ पे स्विंग ट्रेड वालों के लिए ये यहाँ तक एक टारगेट बन के आ सकता है। ये वाला जोन जो है फर्स्ट टारगेट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देख सकते हैं आप काफी स्ट्रांग है मार्केट, यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस भी बनाए हैं, सपोर्ट्स भी बनाए हैं, ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस, तो ये एक स्ट्रांग जोन है। तो इसे हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ये जोन कौन सा है। तो ये डाउन की तरफ आपका एक टारगेट रहेगा 34,000 की रेंज दोस्तों, आप देख सकते हैं 34,000 से 34,040 की रेंज आपको ये काम आ सकती है स्विंग ट्रेड वालों को, अगर आप एंट्री ले लेते हैं यहां से। तो मार्केट में इस 36,000 का आपका आपका लेवल रहेगा। ब्रेक होता है अगर कोई न्यूज वगैरह किसी बैंक में आती है उसके चलते, तो फिर इसके बाद आप आपकी एंट्री बाय की ले सकते हैं, अदरवाइज पुट एंट्री यहां से ले सकते हैं आप। यहां से 20 से ज्यादा दिन वाली अगर ट्रेड कोई करते हैं आप तो उसमें एंट्री बन सकती है आपकी यहां से स्विंग ट्रेड वालों के लिए। आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट जोन है ये। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और साथ में हमारा टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे हर दिन पर्सनल हमारी ट्रेड शेयर की जाती है। 499 में आप लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, हर दिन यहाँ पे कॉल्स मिलती है। ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप हमें इस पर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल दी जाएगी। पेमेंट डन होने के बाद आपको प्राइवेट चैनल का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों बाकी मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।